सभी सम्मानीय ग्राहकों को हमारा दिल से अभिनंदन अभिवादन। छाबड़ाज यूं तो 25 साल पहले सफ़र तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। 25 साल पहले हमने शुरुआत की थी टिफ़िन सेंटर से और आज हम छाबड़ाज ओल्ड टाउन के नाम से एक नया आउटलेट लेके आ रहे हैं। वो केवल एक नया आउटलेट नहीं होगा, छाबड़ाज जाना जाता है नॉर्थ इंडियन लंच और डिनर के लिए, घर की पार्टियों के लिए। और अब हम लेके आ रहे हैं छाबड़ाज ओल्ड टाउन के नाम से नाश्ते से रात के खाने तक का लजीज शुद्ध और स्वाद का संगम। वो सफ़र, वो संगम जो आपको सारा दिन छाबड़ाज ओल्ड टाउन को भूलने नहीं देगा और उसके नज़दीक आने का हम कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। अपनी शुद्धता से, अपनी क्वालिटी से, अपने वैरायटी से ट्रेडिशनल और एशियन और मॉडर्न ब्रेकफास्ट के साथ हम बहुत सारी वैरायटी लेके आ रहे हैं जो सबको आकर्षित करेगा। भारत के बहुत ही जिसे कहते हैं चुनिंदा शहरों के हम नाश्ते और खाने अपने सम्मानीय ग्राहकों को सर्व करने वाले हैं छाबड़ाज ओल्ड टाउन के रसोई से। आप आएं, आपका तहे दिल से अभिनंदन है। तू तो छाबड़ाज जड़ों से जुड़ा हुआ, लोगों के दिलों में राज करता हुआ वो आउटलेट है जो आम से खास बन चुका है। हम लोग जो ओल्ड टाउन लेके आए हैं उसके पीछे ध्येय यही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने स्वाद से जुड़े रहें। जो पुराने हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने जो स्वाद दिया है, जो शुद्धता दी है, जो कंसेप्ट दिया है, उसके पीछे ध्येय यही है कि हमारे आने वाली जनरेशन को वो पुरानी वैरायटी, वो पुराना स्वाद, वो जायका मिलता रहे, वो शुद्धता मिलती रहे। इसी के पीछे हमारा ध्येय है छाबड़ाज ओल्ड टाउन लाने का। देखिए, मैं तो एक होटेलियर रह चुका हूँ, तो मैं फूडी हूँ, खाना मुझे बहुत पसंद है। और छाबड़ाज की खासियत है कि वो वेजिटेरियन फूड देते हैं, तो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही फेवरेट चेन है। छाबड़ा के ऑलमोस्ट हर आउटलेट में मैं जाता हूँ, और जब से मुझे पता चला कि ये रेस्टोरेंट आने वाला है ओल्ड टाउन, सो मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम लगा रहे हैं। मैं छाबड़ा जी के पीछे पड़ा रहता था कि इसको जल्दी बनाइए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मैं इसका वेट कर रहा था। आज मैंने आकर देखा तो जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे बहुत अच्छा बनाया है कॉन्सेप्ट। आज आप देखेंगे जयपुर में सब जगह सब लोग नई नई दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, बट इन्होंने क्या किया है कि पीछे जाकर कुछ देखा है कि जो एक गुजरा ज़माना है उसको साथ में लेकर एक कॉन्सेप्ट बनाया है। और खाने की तो इनकी कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है वेजिटेरियन में। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जो खाना का एक कॉम्बिनेशन रहेगा जिसमें इन्होंने इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब तरीके के खाने रखे हैं, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है जो इनकी खाने के लिए जाने जाते थे, इस रेस्टोरेंट के बाद इनकी सर्विस को भी उसी तरीके से जाना जाएगा।